हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जहां पर मैंने आप लोगों को क्लियर किया था आप लोगों का जो कट ऑफ है वह 80-90 जा सकता है। यानी कि आप यदि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करेगा, यदि आप लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि मैंने एक आप लोगों को क्लियर किया था कि 80-90 के बीच में कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज जो है वो वेरी करेगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम मैं थोड़ा सा कमेंट आप लोगों को ले लेता हूँ जिससे चीजें क्लियर हो। पहले सारी चीजों को समझ लीजिएगा कि मैं एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपके अकॉर्डिंग बोल दूं, मुझे जो चीज दिख रही है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं वो चीज आप लोगों को बोलूंगा। मैंने सारे पेपर को यहाँ पे एनालाइज किया, सब चीजें देखने के बाद में चीजों को समझिएगा। अब आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, वहां पे यदि कट ऑफ देखें कि सर आपका जो कट ऑफ है वह 60 जाएगा, 55 जाएगा, 70 जाएगा, समझ रहे हो? आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टोटल क्वेश्चन 120 हैं, जहां पर 60 क्वेश्चन आप लोगों के अदर पार्ट हैं, 60 क्वेश्चन और आप लोगों का जो है वह टोटल सिलेबस से पेपर दिया है। यानी कि आप देखोगे मैथमेटिक्स को इंक्रीज कर दिया, रीजनिंग को उन्होंने हटा दिया, लेकिन वहां पे आप लोगों क्या है, यदि आप फिटर ट्रेड से हो, आप उस एग्जाम में यदि इलेक्ट्रिशियन या फिजिक्स के क्वेश्चन आए उनको अटेम्प्ट नहीं किया, आपका स्कोर कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वायरमैन के भी वहां पे पार्टिसिपेट किए हैं कैंडिडेट तो उनका स्कोर ज्यादा नहीं होगा। चीजों को समझिएगा। सबसे पहले आप यदि नंबर ऑफ पोस्ट को देखोगे 489 नंबर ऑफ पोस्ट है, बहुत बढ़िया नंबर ऑफ पोस्ट है, जिससे कि हमारा कट ऑफ थोड़ा सा रिड्यूस होगा। अब कितना रिड्यूस होगा, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, 120 क्वेश्चन में से यदि 60 आप कट ऑफ बता रहे हो, क्या 50% मार्क्स आप लेकर आ रहे हो, उसमें आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर सकोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर लेवल, और स्पेशली आप एक टेक्निकल एग्जाम दे रहे हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? गाइस, आप 100 मार्क्स का क्वेश्चन भी देते हो, वहां पर भी आपका 80% मार्क्स एटलीस्ट लेकर आना पड़ता है। आप 80% मार्क्स, 100 में से आपका 80 नंबर होता है, राइट? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप टेक्निकल का उठा के देख लीजिए, आपके मार्क्स कम है, दैट मीन्स ये नहीं है कि मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम कर दूं कि डेफिनेटली आपका जो है कट ऑफ कम जाएगा। स्पेशली जो कमेंट कर रहे हैं कि नहीं सर इतना जा ही नहीं सकता, दावा कर रहे हैं, उनके लिए और मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। यहाँ पे ना ही आपको क्लियर है ना मेरे को क्लियर है कि कट ऑफ कितना जाएगा, ये बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखूँ, यहाँ पे मैं टोटल तरीके से क्लियर करूँ, यदि आपके मार्क्स 80 मार्क्स से कम आ रहे हैं तो आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन बेफिक्र होके कर सकते हो, राइट? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 80 मार्क्स मतलब समझ रहे हो, आपके 120 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन मैंने हटा दिए हैं कि मान के चलो 40 क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं 120 क्वेश्चन में से। गाइस, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। यदि आप 60 मार्क्स लेकर आ रहे हो, 60 नंबर आपके आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट किए हैं और आप कट ऑफ में आने की सोच रहे हो, मतलब कि आप लोगों ने पूरे क्वेश्चन में से 50% मार्क्स करेक्ट किए हैं। क्वालिफाइंग परसेंटेज जो रखते हैं मैक्सिमम डिपार्टमेंट 35% 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रखते हैं, क्या आपने किसी एग्जाम को क्वालिफाई किया वहीं पे आप लोग कट ऑफ में आने की सोच रहे हो? तो ये पॉसिबल नहीं है यदि आपके मार्क्स उससे कम आ रहे हैं। अब यहाँ पे कई सारे कमेंट तो है, सर आपने पेपर लीक करा दिया है क्या, आप इतना कट ऑफ बता रहे हो? यदि लीक कराते पेपर और लीक पेपर हो जाता, जिसको आपको पेपर मिल जाता, आप किस वे से कमेंट कर रहे हो कि आपको यदि पेपर मिल गया तो क्या आप लोग 120 क्वेश्चन में से 90 मार्क्स लेकर आओगे या 80 मार्क्स लेकर आओगे? यदि एक घंटे पहले पेपर मिल गया, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आपके पास में एक घंटे पहले पेपर है तो 120 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 115 क्वेश्चन आप करेक्ट कर सको। तो लीक की बात तो अलग ही है, यदि क्वेश्चन पेपर लीक यदि वो कुछ लफड़ा है तो वो तो फिर 100 अबव निकल जाएगा, राइट? वो चीजें समझ रहे हो? तो यहाँ पे यदि आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो और अपना दृढ़ निश्चय लेके बैठे हो कि मेरे 60 नंबर हैं और मैं कट ऑफ में आ जाऊं, मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग गलत है। मैं अपना ओनली एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, ना कि मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही कट ऑफ जाएगा। मैं यहाँ पे अगेन इसलिए आप लोगों को कॉमेंट किया हूँ, बिकॉज रीजन क्या है, वीडियो डाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में ये चीज़ क्लियर है कि भाई 60 नंबर भी मेरे आ रहे हैं, मतलब कि मेरा सिलेक्शन कन्फर्म होने वाला है।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी टोटल तरीके से क्लियर है। यदि आपके 80 मार्क्स से कम आ रहे हैं मतलब कि कहीं ना कहीं आप कट ऑफ से दूर हो रहे हो। तो सो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं ओनली अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, बाकी जो कट ऑफ रहेगा वो यूपी ट्रिपल एससी डिक्लेयर करेगा। यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मुझे चीजें समझ में आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ओनली मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है गाइस। बाकी सभी लोग भाई अपनी अपनी थिंकिंग रख सकते हैं, नो डाउट आप लोग कॉमेंट कर सकते हो आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना जा सकता है आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।